तो वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पिक्सा भी एप्लीकेशन के बारे में, जिसके अंदर आप कुछ फ्री फोटोज या फ्री वीडियोज यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, जो है विजुअल्स वगैरह कई सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं डाउनलोड करने के। यहाँ पर आपको वेक्टर ग्राफिक्स वगैरह, आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो जिसके अंदर से आप फ्री मतलब जो कॉपीराइट फ्री इमेजेस होती है जिसके हम यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए फिर वीडियो एडिटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इमेजेस शो हो जाएगी। जहाँ पर मैं कोई एक कीवर्ड सर्च कर, सपोज मुझे यहाँ पर कंप्यूटर, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसे कंप्यूटर और कुछ इमेजेस वगैरह मुझे सर्च करनी है, तो यहाँ पर मैं इसे सर्च कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से सर्च आएंगे। यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ वीडियोस अगर मुझे चाहिए, मुझे वेक्टर ग्राफिक्स चाहिए तो मैं इसे भी सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप वेक्टर ग्राफिक्स वगैरह आप सर्च कर सकते हो। बात करते हैं और यहाँ पर मैं कुछ अगर मुझे वीडियोस अगर सिलेक्ट करना, तो यहाँ पर मैं वीडियोस सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो वीडियोस मैं यहाँ पर डाउनलोड कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके से वीडियोस मैं यहाँ पर डाउनलोड कर सकता हूँ HD के अंदर, 4K के अंदर आपका कुछ कुछ वीडियोस आपको 4K के अंदर मिलते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट, GIF वगैरह आपको GIF अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। इस तरीके से आप GIF भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन इसके अंदर मिलते हैं साउंड इफेक्ट म्यूज़िक वगैरह का, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपको कोई म्यूज़िक चाहिए तो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर दो। याद रखिए ये सारे कॉपीराइट फ्री होते हैं, इसके अंदर से आपको कोई भी मतलब पे वगैरह नहीं भरना पड़ता, तो एप्लीकेशन काफ़ी यूज़फुल है। एप्लीकेशन अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बात करते हैं किस लिए एप्लीकेशन में डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने की लिंक है मैंने पिन कमेंट सेक्शन में दे रखी है। जैसे आप लिंक को ब्राउजर के ऊपर पेस्ट करेंगे या फिर लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने एक इस तरीके से एक ब्राउजर पे जो बनाए थे, आपको सबसे पहले दोनों यूट्यूब चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेंगे। कुछ इस तरीके से आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद बैक करना है, और बैक आने के बाद अनलॉक होने के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, कि मुझे आपको वीडियो में ज़्यादा के लिए बाय।